अभी मैं आ गया हूँ गोमुख घाट पे, और ये नर्मदा नदी के किनारे है, और उस साइड पे ओमकारेश्वर जी दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने एक बोट हायर किया, 150 रुपये करके ले रहा है, जो हम लोगों को साइट सीन करके उस पार छोड़ देंगे। अगर खाली उस पार आप लोग जाना चाहे तो 50 रुपये लगेगा। अभी हम लोग बैठ गए बोटिंग पे, ये नर्मदा नदी के किनारे है, और हम लोग साइट सीन कराए स्टार्ट हो गया है। हम लोग बोट से पहुंच गए नर्मदा और कावेरी नदी के संगम में। ये पर्वत का पूरे ओम आकार में बना हुआ है, तो पूरे पहाड़ के चारों ओर जल है। यहाँ से नर्मदा कावेरी की धारा अलग अलग होती है, नर्मदा नदी सीधे जाती है, कावेरी नदी से निकलती है। ये दो नदी के बीच में नर्मदा डैम बना हुआ है, ओंकारेश्वर बांध, यहाँ पे जल वगैरह गिर। बोटिंग हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोगों को ये पीछे वाला घाट पे छोड़ दिया, बोला कि यहाँ से मंदिर जल्दी दर्शन कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये सामने है, दूसरा भी एक घाट है, उसमें ये जिगजैग लाइन रहेगा, और यहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट लाइन में घुस जाएंगे, ऐसा बोला। अभी देखते हैं चल के क्या है असल में। अभी मैं हूँ ओंकारेश्वर में, जो होटल हम लोगों ने लिया था उस होटल में